आप अभी जो आवाज सुन रहे हो वो नॉन एडिटेड है और अभी जो आप आवाज सुन रहे हो वो एडिटेड है। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो कि कितना सारा यहाँ पर नॉइस यहाँ पर रिमूव हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो और सुन सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर आप ऐसे वीडियोस बनाते हो जिसमें आपको वॉइस ओवर करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप उस वॉइस को रिकॉर्ड करते हो तो आपके वॉइस में कुछ नॉइज़ यहाँ पर आ जाता है, कुछ आपके जो बैकग्राउंड नॉइस है वो आ जाता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में जो वॉइस सुनाया था वो ओरिजिनल था, उसके बाद मैंने आपको एडिटेट करके बताया कि उसको कैसे आप वॉइस को नॉइजलेस बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले कि हम कैसे ऑडासिटी का यूज़ करके हम नॉइसलेस बना सकते हैं आपके वॉइस को। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले, लेकिन उससे पहले अपने भाई का भी नाम जान लीजिए। मैं हूँ रोशन और आपका स्वागत करता हूँ इंटरेस्टिंग चैनल रोशन फॉर यू में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी। सबसे पहले आपको ऑडासिटी ओपन करना है अपने मोबाइल में। अगर आपको नहीं पता कि ऑडासिटी अपने मोबाइल में कैसे यूज़ करते हैं तो आपको हमारा ये वीडियो देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फाइल एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, आप जब भी अपना वॉइस रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले आपको 5 सेकंड साइलेंट रहना है, ताकि आपका सराउंडिंग का जितना भी वॉइस होगा वो रिकॉर्ड हो जाए। तो सबसे पहले हम नॉइज रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट 5 सेकंड का पार्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इफेक्ट्स में जाकर नॉइज रिडक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ सेटिंग्स को डिफॉल्ट ही रहने देना है और गेट नॉइज प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट सिलेक्ट होल फाइल, इफेक्ट्स, रिपीट नॉइज रिडक्शन। ये स्टेप आपको तब तक करना है जब तक आपका नॉइज परफेक्टली रिमूव नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा नॉइज रिमूव हो चुका है, अब हम कुछ इफेक्ट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे एम्पलीफाई, ये आपके साउंड को इंक्रीज कर देता है। सेटिंग यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट रखनी है और यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट सेकंड इफेक्ट फिल्टर कर्व, गो टू द मैनेज फैक्ट्री प्रीसेट एंड देन बास्ट बूस्ट एंड ओके। अगेन इफेक्ट्स फिल्टर कर्व, मैनेज फैक्ट्री प्रीसेट एंड देन ट्रबल बूस्ट एंड ओके। उसके बाद थर्ड इफेक्ट कंप्रेसर, सेटिंग बाय डिफॉल्ट रहने देना है और ओके कर देना है। यहाँ पर थोड़ा और नॉइज दिख रहा है तो एक बार फिर से हम उस 5 सेकंड के पार्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से गेट नॉइज प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से सिलेक्ट होल फाइल, उसके बाद यहाँ पर रिपीट नॉइज रिडक्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कम्प्लीटली नॉइज रिडक्शन हो चुका है। उसके बाद हम फिर से जाएंगे इफेक्ट्स पर, यहाँ पर हमें दिख रहा होगा नॉर्मलाइज, यहाँ पर सेटिंग बाय डिफॉल्ट रखेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और लास्ट इफेक्ट लिमिटर, इसमें आपको लिमिट हार्ड रखना है, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा हार्ड लिमिट, और उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पर हमारी फाइल फुल्ली एडिटेड हो चुकी है। तो यहाँ पर करेंगे हम इसे एक्सपोर्ट इन वेव फॉर्मेट। अब हम करेंगे इसका टेस्टिंग। बिफोर जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आफ्टर जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आप यहाँ पर सुन सकते हो कितना डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।